अकोला 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मुफ्ती अशफाक कासमी पर हेरा फेरी का मुकदमा दर्ज। दारुल कज़ा व बैतुल माल अंजुमन मुफीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट ने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी। अंजुमन मुफीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट मोमिनपुरा अकोला के अंतर्गत दारुल कज़ा व बैतुल माल 1998 से अपनी सेवाएं दे रहा है। इस ट्रस्ट ने बतौर काजी के लिए मुफ्ती अशफाक कासमी को नियुक्त किया था और पिछले 22 सालों से मुफ्ती साहब को ट्रस्ट हर महीने वेतन दे रहा है। हर साल माह रमज़ान में अहले खैर हजरात अपनी जक़ात सदक़ात और अत्यार डोनेशन मोमिनपुरा मस्जिद ऑफिस में लाकर मुफ्ती अशफाक कासमी के पास जमा करते थे, लेकिन इस साल लॉकडाउन का लाभ उठाते हुए मुफ्ती अशफाक कासमी ने रकम जमा करवाने वालों को अंजुमन मुफीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की असली रसीद देने की बजाय अपने निजी नाम से बनाए गए बैतुल माल की जाली रसीद के जरिए एक बड़ी रकम जमा कर ली। इस हेराफेरी की कोई जानकारी ट्रस्ट को नहीं दी गई। इस गैर जिम्मेदाराना और गैर अखलाकी हरकत की वजह से ट्रस्ट ने इन्हें काजी शरीयत के पद से निकाल दिया। इस हेराफेरी और धोखाधड़ी के खिलाफ अंजुमन मुफीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के पद अधिकारियों की तरफ से अकोला के रामदासपेट पुलिस स्टेशन में मुफ्ती अशफाक कासमी के खिलाफ धारा 420, 468, 471 के तहत FIR क्रमांक 89-20 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया और पुलिस से कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। ऐसी माहिती पत्रकार परिषद में ट्रस्ट की ओर से दी गई है। इस पत्रकार परिषद में ट्रस्ट के कार्यकारी सदस्यों में अलहाज मोहम्मद कलीम, अलहाज मुजाहिद अहमद खान, अरशद हुसैन, मुजफ्फरुल्ला उपस्थित थे। कैमरामैन सईद खान के साथ जबी खान की खास रिपोर्ट। के तहत काम करते थे, हमारे से वजीफा लेते थे, उन्होंने इस बार रमज़ान के अंदर खुद का लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ में ट्रस्ट के साथ में धोखाधड़ी करके खुद का ट्रस्ट बना के खुद और खुद ने जकात जमा की है, इसके लिए हमको उनके खिलाफ FIR दर्ज करना पड़ा। और अपना जो ऑफिस है वो ऑफिस वहाँ रहेगा या? पिछले 22 साल से जिस जगह पे हमारा ऑफिस चल रहा है, हम उम्मीदवार ट्रस्ट के शुक्रगुजार हैं और आगे भी उनसे गुजारिश है कि वो हमें वहीं काम करने दें, हमारा ऑफिस वहीं रहेगा इंशाल्लाह। और ट्रस्टियान से कुछ लोगों से बात हुई, वो भी शहर में दारुल कज़ा बैतुल माल मुफीदुल मुस्लिमीन का ऑफिस वहीं रहेगा। अब कितना अंदाज से कितना जो पैसा था वो कितना जमा हुआ और क्या हुआ? जी, पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से उनके पास 7 से 8 लाख रुपए जमा होता है हर साल अंदाजन। इस बार लॉकडाउन का हम जा नहीं पाए, पता नहीं उन्होंने कितना जमा किया, हो सकता कुछ इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं। हमने FIR में बुलाया कि भाई उनके पास जमा है पैसा क्या, और बोलते बोलते धाराओं के अंदर केस दर्ज किया उनके खिलाफ धारा 420, 406, 461, 68 और 471, 61 नहीं है, 468 और 471 है, धोखाधड़ी का केस है। अकोला 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।